नमस्कार दर्शक मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है वडोदरा न्यूज नेटवर्क के साप्ताहिक राशि फल में। 18 अक्टूबर रविवार से 24 अक्टूबर शनिवार 2020 तक। तो प्रारंभ करते हैं आज के साप्ताहिक राशि फल में। आज के शुभ पंचांग से विक्रम संवत 2077 18 अक्टूबर 2020 रविवार का शुभ दिन। आश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि रविवार। स्वाति नक्षत्र प्रातः 8:50 तक प्रीति योग बालवकरण और आज तुला राशि का शुभ चंद्रमा है। तो मेष राशि से प्रारंभ करते हैं आज के साप्ताहिक राशि फल में। क्या कहती है आपकी राशि और इस सप्ताह में क्या उपाय करने चाहिए। सर्वप्रथम है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कोई वाद विवाद हो सकता है, इसलिए कड़वा वचन ना बोलें। मानसिक चिंताएं थोड़ी सामान्य इस सप्ताह आपको रहेगी। व्यवसाय में अच्छी सफलता रहेगी। कोई व्यक्ति आपके कार्य में अड़चन तथा विरोधाभास कर सकता है, जिससे सामान्य थोड़ी चिंता बनी रहेगी। व्यवहारिक कार्यों में आज इस सप्ताह आपको अच्छी सफलता मिलेगी। व्यवसाय में आर्थिक कार्यों में सफलता अच्छी रहेगी। बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कोई वाद विवाद में ना पड़े, सावधानी पूर्वक कार्य करें। सप्ताह के अंत में मन प्रसन्न आपका रहेगा। कोई कार्य करना है तो बुधवार और गुरुवार के दिन आप कर सकते हो। हनुमान जी का नाम लेकर ओम नमो हनुमते नमः इस मंत्र को बोलकर कार्य का प्रारंभ करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य उतार चढ़ाव वाला तथा मिला जुला रहेगा। व्यवसाय में अच्छी सफलता रहेगी। रुके हुए अटके हुए कार्य इस सप्ताह आपके पूरे होंगे। तबीयत को लेकर शारीरिक पीड़ा सामान्य थकान इस सप्ताह आपको रह सकती है। मेहनत अधिक रहेगा और मानसिक चिंताएं इस सप्ताह आपकी दूर रहेगी। आपके लिए शुक्रवार और शनिवार का दिन शुभ रहेगा। कार्य में आई हुई बाधा इस सप्ताह दूर रहेगी। परिवार का इस सप्ताह अच्छा सहयोग आपको मिलेगा। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप इस सप्ताह करने से आपके सभी कार्य सफल होंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य मध्यम रहेगा। किसी बात को लेकर बहस ना करें। मन में कोई बात को लेकर तनाव हो सकता है, जिससे वाद विवाद में ना पड़े। मन को शांत रखें। व्यवसाय में कार्य सफलता इस सप्ताह आपके लिए अच्छी रहेगी। नई योजना बनेगी, लेकिन ध्यान पूर्वक कार्य करें। योजना बनने के साथ में विफल भी हो सकती है, इसलिए किसी को मन की बात ना कहें। ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जाप करने से आपके कार्य में आई हुई बाधाएं इस सप्ताह दूर होगी। आपके लिए मंगलवार तथा बुधवार का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। परिवार का सहयोग अच्छा प्राप्त होगा और मंगलवार और बुधवार के दिन आप तनाव से मुक्त हो सकते हो। सप्ताह के अंत में शारीरिक पीड़ा थोड़ी रह सकती है, जिससे तबीयत का ध्यान इस सप्ताह अवश्य रखें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मुसाफरी और प्रवास रहेगा। कार्य में मनोवांछित आपको सफलता मिलेगी। कोई वाद विवाद में
ना पड़े तथा मन को शांत अवश्य रखें। किसी व्यक्ति के बहकावे में ना आए और यात्रा दरमियान वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। सामान्य चोट लगना और गिरना पड़ना हो सकता है। कोई व्यक्ति को लेकर मन मुटाव हो सकता है। मन को शांत रखें और कार्य में आई हुई बाधाएं इस सप्ताह आपकी दूर होगी। मनोवांछित सफलता मिलेगी और आपके लिए शनिवार और रविवार का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। सप्ताह के अंत में मन प्रसन्न रहेगा। माताजी को सरसों का तेल का दीपक इस सप्ताह अवश्य प्रातःकाल लगाएं और मां जगदम्बा से प्रार्थना करें। आपके कार्य में आई हुई बाधाएं दूर होंगी। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभ अवसर प्रदान करने वाला है। कोई अच्छा समाचार, नया समाचार मिलेगा। मन में खुशी इस सप्ताह आपके रहेगी। पारिवारिक सहयोग आपके लिए अच्छा रहेगा। काम काज में थोड़ी मेहनत इस सप्ताह आपको अधिक करनी पड़ सकती है। मन की चिंताओं से यह सप्ताह आपको मुक्त होंगे और सिर दर्द करना तथा पैरों में घुटन में इस सप्ताह थोड़ी पीड़ा आपको सामान्य रह सकती है। आर्थिक कार्यों में थोड़ा मध्यम रहेगा और नई योजनाएं आपकी साकार होगी। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करने से आपके सप्ताह में आई हुई बाधाएं दूर होंगी। बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए शुभ मंगलदायक रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए सामान्य पारिवारिक समस्याएं इस सप्ताह दौरान रहेगी। कोई कटु वाक्य बोलने से मन मुटाव हो सकता है, जिससे कटु वाक्य ना बोले और कोई बहस में ना उतरे। सामान्य सिर दर्द रहेगा। थकान संबंधी भी पीड़ा इस सप्ताह रहेगी। सप्ताह के अंत में आपके बिगड़े हुए कार्य सफल होंगे और व्यापार को तथा आर्थिक कार्यों में सप्ताह के अंत में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। कहीं मांगलिक प्रसंग में आपका जाना हो सकता है इस सप्ताह दरमियान और उलझे हुए कार्य सफल होंगे। किसी वाद विवाद में सप्ताह ना पड़े। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आनंददायक रहेगा। मौज शौक वाला दिन रहेगा। कोई नई वस्तु आप घर पे ला सकते हो। कोई मांगलिक प्रसंग में या कोई परिवार के साथ आपका कहीं जाना हो सकता है। कोई मित्र के साथ मुलाकात हो सकती है। इस सप्ताह आप कोई नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, लाभदायक रहेगा। सेहत का ध्यान इस सप्ताह अवश्य आप रखें। आपके लिए शुक्रवार और शनिवार का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। सामान्य खर्चालू दिन आपके लिए रहेगा। इस सप्ताह खर्चा अधिक रहेगा और कोई कार्य के लिए आप बाहर घूमने जा सकते हो। मां जगदम्बा को सरसों का तेल का दीपक लगाएं। माताजी के समक्ष पूर्व दिशा में बैठकर लाल आसन बिछाकर ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप इस सप्ताह करने से आपका सप्ताह इस वर्ष आनंददायक रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रवास और मुसाफरी का रहेगा। नए व्यक्तियों से मुलाकात होगी और कुछ व्यवसायिक चर्चाएं आगे आपकी बढ़ेगी। नई योजनाएं बनेगी जो आपके लिए लाभदायक रहेगी और इस सप्ताह महत्वपूर्ण निर्णय आप व्यापार संबंधी ले सकते हो, जिसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी
और नया इन्वेस्टमेंट या कुछ आगे नया इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। सामान्य मुसाफरी दरमियान प्रवास संबंधी आपको ध्यान रखकर कार्य करना है। मांगलिक प्रसंगों में आपका जाना हो सकता है और परिवार का सहयोग इस सप्ताह आपको अच्छा मिलेगा। आप मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को प्रार्थना करके कार्य की शुरुआत करें। कार्य में आपको निश्चित सफलता इस सप्ताह आपको मिलेगी। आपके लिए मंगलवार और बुधवार का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। धनराशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य मध्यम रहेगा। कुछ शारीरिक पीड़ा थोड़ी रह सकती है। पारिवारिक संबंध थोड़ा मन मुटाव हो सकता है, जिससे कटु वाक्य ना बोले और कोई वाद विवाद में ना पड़े। सामान्य बहस हो सकती है जिससे कोई वाद विवाद में ना पड़े और कटु वाक्य ना बोले। इस सप्ताह सामान्य आपका खर्चीला रहेगा। आर्थिक कार्यों में सामान्य थोड़ा मध्यम इस सप्ताह रहेगा। मां जगदम्बा की उपासना करें। ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाई विचेक की एक माला इस सप्ताह दरमियान करें और लाल फूल मां जगदम्बा को अर्पण करके कार्य की शुरुआत करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह व्यापार में उन्नति और प्रगति रहेगी। आर्थिक कार्यों में अच्छी सफलता रहेगी। मन प्रसन्न रहेगा तथा पारिवारिक संबंध में मधुरता रहेगी। कोई कार्य को लेकर आपका आज इस सप्ताह बाहर घूमने का हो सकता है। सामान्य खर्चीला रहेगा यह सप्ताह, लेकिन साथ में इनकम भी आपकी अच्छी होगी। नए वस्त्र आप खरीद सकते हो इस सप्ताह दरमियान। ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करके कार्य में आई हुई बाधाएं आपकी दूर होंगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए व्यवसाय में सामान्य उतार चढ़ाव रहेंगे। मिला जुला यह सप्ताह रहेगा। प्रवास तथा मुसाफरी कोई कार्य के लिए हो सकती है। किसी व्यक्ति को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है, जिससे कोई कटु वाक्य ना बोले। सामान्य मन दुख रहेगा। कोई कार्य को लेकर थोड़ी चिंताएं बनी रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत में कार्य में आई हुई बाधाएं दूर होगी। आपके लिए शुक्रवार और शनिवार का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। गुरुवार का दिन कोई अनावश्यक कार्य में सामान्य खर्चीला आपके लिए हो सकता है, जिसे विचार पूर्वक कार्य में आप खर्च करें। कोई नया इन्वेस्टमेंट इस सप्ताह ना करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य चिंताओं से मुक्त रहेगा। पारिवारिक समस्याएं में थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत में उन चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। कोई कार्य की शुरुआत बुधवार के और गुरुवार के दिन आप कर सकते हो। सप्ताह के अंत में व्यवसाय में तथा आर्थिक लाभ रहेंगे। इस सप्ताह कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें। भागीदारी में अच्छा लाभ रहेगा। सप्ताह के अंत तक तनाव से आप मुक्त रहोगे और मन प्रसन्न रहेगा। ये था साप्ताहिक राशिफल। दर्शक मित्रों को नमस्कार।